नमस्कार दोस्तों, मैं विलास उरकुड़े फिर आपका स्वागत करता हूं एक बार आपके अपने पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ मुख्य खबर। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से, कुल्हाड़ी से प्रहार कर पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मगरदर्रा के तुमड़ी टोला में खेत में एक महिला का शव थाना ग्रामीण पुलिस ने बरामद किया, जहां महिला के पति द्वारा कुल्हाड़ी से प्रहार कर पत्नी की हत्या किए जाने की बात सामने आई, जहां घटना के बाद से पति भी फरार बताया जा रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतिका राजेश्वरी पति बाबूलाल चौहान उम्र 32 वर्ष मूलतः ग्राम परसपानी थाना हट्टा की निवासी, जो पिछले एक साल से पतियों दो बच्चों के साथ परिवार समेत मायके में ही रहती थी। आज महिला अपनी मां के साथ महुआ चुनने व अधिया के खेती में पानी चलाने गई थी, लेकिन सुबह करीब 10 बजे उसका पति कुल्हाड़ी लेकर खेत पहुंचा और पति और पत्नी पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार कर जंगल रास्ते से फरार हुआ। परिजनों द्वारा दिए गए बयान के अनुसार पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतिका व उसके पति के बीच अक्सर पारिवारिक विवाद होता रहता था, क्योंकि पति बाबूलाल शराब का आदी था और उसने सारे जेवर गिरवी रख दिए थे, जहां इन्हीं को बातों को लेकर अक्सर पति पत्नी के बीच विवाद होता रहता था। 21 मार्च घटना दिनांक को भी विवाद होने की बात सामने आई। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए बालाघाट से पंकज दहरवाल की रिपोर्ट। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं कार्यवाहक उपनिरीक्षक लक्ष्मीचंद चौधरी। आज सूचना प्राप्त हुई कि मगरदर्रा में खेत में किसी व्यक्ति ने अपने पत्नी की हत्या कर दी है। मौके पर तत्काल पहुंचे, वहां पर मृतिका राजेश्वरी महुआ के पेड़ के नीचे मृत पड़ी हुई थी। उसकी मां ने बताई कि महुआ चुनने के लिए राजेश्वरी अपने दो बच्चों को साथ में लेकर के आई हुई थी और उसकी मां भी वहां महुआ चुनने पर के लिए आई हुई थी कि करीब 10 बजे उसका पति अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के आया और अपने पत्नी पर दो कुल्हाड़ी मारकर उसे हत्या कर दिया, हत्या करके वहाँ से फरार हो गया। वजह क्या क्या सामने आई, क्यों मारा उन्हें? उसका पति जो है शराब पीने का आदी था, पत्नी शराब पीने से हर समय मना करती थी। इसी बात को लेकर इसी बात पर